फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मवारी क्रू। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई के जो बचे हुए एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि बहुत जल्द विद इन अ वीक आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, नीट का एग्ज़ाम कब होगा, पोस्टपोन होगा, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कब रिलीज़ होगा, जेई का एग्ज़ाम का क्या होगा, पूरा डिसीजन आपका एक हफ्ते के अंदर पूरा डिसाइड हो सकता है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसमें एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं, उनके ट्वीट में ये लिखा हुआ है। और उस हाई लेवल मीटिंग में आपके स्टेट के भी मिनिस्टर्स होंगे, साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम्स होंगी उसमें स्मृति जुबिन ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये चार लोग जो मेन मीटिंग में होंगे ये होंगे। और यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे, ये पूरा यहाँ पे कन्वर्सेशन होगा इनका एक दूसरे से कि किस तरह से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सकता है, बोर्ड का एग्ज़ाम कब कराया जा सकता है, कैसे कराया जा सकता है। यहाँ पे स्टेट बोर्ड से भी सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जितने भी स्टेट हैं या यूटी हैं सबकी सहमति लेनी पड़ेगी कि क्या वो राजी हैं एग्ज़ाम कराने के लिए या वो अभी एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं बिकॉज ऑफ कोविड। तो यहाँ पे सबकी सहमति ज़्यादा ज़रूरी होगी। दोस्तों, जो डिसीज़न आ सकते हैं वो सबसे सॉफ्टेस्ट डिसीज़न तो यही हो सकता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम को कैंसिल करके प्री बोर्ड के हिसाब से मार्किंग या प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पर आपकी मार्किंग कर दी जाए, जैसा कि 10th में हुआ। हालांकि इसके चांसेस कम हैं, लेकिन सबसे सॉफ्टेस्ट जिस पे कि मेरे ख्याल से सभी बोर्ड एग्री हो जाएंगे, सारे स्टेट बोर्ड की, ठीक है ऐसा कर दीजिए, स्टूडेंट की सेफ्टी भी रहेगी और एग्ज़ाम भी मतलब इतना अरेंज भी नहीं करना पड़ेगा, स्टूडेंट की फैमिली में भी कोविड फैलने के चांसेस नहीं रहेंगे, मीन्स एग्ज़ाम को इस तरह से कैंसिल कर दिया जाए प्री बोर्ड के हिसाब से। सबसे सॉफ्टेस्ट डिसीज़न ये हो सकता है। दूसरा डिसीज़न जिस पे की बात होगी, एक्चुअल बात दूसरे डिसीजन पे होगी कि बोर्ड के एग्ज़ाम किस तरह से कराया जा सकता है, किस तरह से कोविड गाइडलाइंस फॉलो करके कराया जा सकता है। क्योंकि अब जो कोरोना केसेस आ रहे हैं वो यंग एज में भी आ रहे हैं, तो ये भी बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो किस तरह से कराया जा सकता है इस पे बात होगी और सभी स्टेट की सहमति लेके बात होगी। यहाँ पे कुछ स्टेट होंगे, 5-6 स्टेट होंगे जो कि कहेंगे कि हम एग्ज़ाम जून में नहीं करा सकते, जुलाई में करा सकते हैं। कुछ स्टेट होंगे जो कहेंगे हम जुलाई में भी नहीं करा सकते, हम अगस्त में कराएंगे क्योंकि जुलाई में हमारे यहाँ केसेस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, हमारे यहाँ फ्रंट लाइन मीन्स वर्कर्स नहीं हैं या टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स के हेल्थ पे भी, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स की डेथ भी हुई है ड्यूरिंग कोरोना, और यहाँ पे क्योंकि उनकी इलेक्शन में ड्यूटीज भी थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट फैक्टर्स को कंसीडर करके ही डिसीजन लिया जाएगा। और क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 10+2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है और इसी के मार्क्स के बेस पे या इसी की परफॉर्मेंस के बेस पे आप चाहे किसी जॉब में जाते हो या फिर किसी मेडिकल फील्ड या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, तो ये इसकी मार्किंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे मेज़र करने का ये लास्ट स्टेप होता है जहाँ से आपका कैरियर चेंज होता है। तो दोस्तों, ये तो किस तरह से मैनेजमेंट होगा इसका, ये बड़ा इशू रहेगा। और दो ही डिसीज़न हो सकते हैं, जैसा कि मैंने सॉफ्टेस्ट डिसीज़न बता दिया कि ठीक है सबको कैंसिल करके किसी तरह से प्री बोर्ड के बेस पे आपका रिज़ल्ट निकाल दिया जाए जैसे 10th में हुआ, या फिर एग्ज़ाम को 10+2 के एग्ज़ाम को किस तरह से कंडक्ट कराया जा सकता है, कितना गैप रखा जा सकता है दो एग्ज़ाम के बीच में, कुछ ऐसा भी डिसीज़न लिया जा सकता है कि स्टूडेंट को काफ़ी टाइम मिल जाए, या फिर कब कराया जा सकता है, कितने केसेस मीन्स किस स्टेट में कैसी कोरोना की वेव चल रही है उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो जब भी डिसीज़न होगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जितना लेट होगा आने वाले टाइम में आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है या फिर कोई जॉब से ओरिएंटेड एग्ज़ाम है वो उतना लेट होता जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है, सेंटर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ लगती हैं, बहुत ज़्यादा कन्वेंस भी लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे सेंटर मैनेजमेंट होगा, गाइडलाइंस कैसे फॉलो होंगी, सेल्फ सेंटर होगा या फिर आउटसाइड सेंटर होगा, कैसा होगा, ये पूरा डिसीज़न यहाँ पे लेना होगा इसके बारे में दोस्तों, जो कि बहुत ही हर्क्यूलस टास्क होगा। मीन्स
बहुत ज़्यादा। इसके बाद दोस्तों, ये तो रही बोर्ड एग्ज़ाम की बात, बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जा सकता है कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। हालांकि इसका डिसीजन लिया जा जाएगा और नीट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। नीट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियोज़ में भी बता रखे हैं कि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है इंडिया में, और एक सेशन हटने का मतलब कि लाखों डॉक्टर्स की कमी इंडिया में। और इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ डॉक्टर्स की कमी हो जाए। तो कैंसिल कभी नहीं होगा, हाँ एग्ज़ाम की डेट शिफ्ट हो सकती है। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और एग्ज़ाम को कैसे कराया जाएगा, या फिर स्टूडेंट क्योंकि प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से एग्ज़ाम मोड को चेंज किया जा सकता है, किस तरह से क्वेश्चंस को बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन रखे जा सकते हैं, ये सारा डिसीजन लेने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होगा और वहाँ पे सारा आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपका सिलेबस होगा, क्या होगा और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद इन अ वीक आपको पता चल सकता है कि कैसे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा और कैसे आपका नीट का एग्ज़ाम होगा। तो नीट का एग्ज़ाम जैसे मैंने बताया कैंसिल होने के बिल्कुल 0% चांसेस है। बोर्ड के एग्ज़ाम में दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो कैंसिल हो के प्री बोर्ड के हिसाब से मार्किंग होगी जैसा कि 10th में हुआ, या फिर जिसके ज़्यादा चांसेस है कि किस तरह से सारे स्टेट को साथ में रख के एक कॉमन डिसीजन पे पहुंचा जाए। कॉमन डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जैसा पहला केस है कि कैंसिल करके प्री बोर्ड के हिसाब से मार्किंग कर दी जाए, वो उसके लिए तो बहुत सारे स्टेट राजी हो जाएंगे, लेकिन सेकेंड के एग्ज़ाम को पैंडेमिक में कंडक्ट कराना और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कनेक्ट कराना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो कल देखते हैं क्या होता है दोस्तों। दैट्स ऑल।